डभरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सुखापाली में महिला की संदिग्ध मौत की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तत्काल डभरा पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। हम आपको बता दें कि डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुखापाली में पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता महिला की मौत हो गई है। जब डभरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि मृतिका का नाम गेंदबाई माहेश्वरी, उम्र 31 वर्ष है। मृतिका के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं मौके पर डभरा तहसील की उपस्थिति में शव का पंचनामा किया गया। पंचनामा में पाया गया है कि उसके हाथों की उंगलियों में जलने का निशान है। वहीं उनके परिजनों द्वारा स्पष्ट तौर पर मृतिका के पति गणेश राम महेश्वरी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल डभरा पुलिस के द्वारा मृतिका के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम हेतु डभरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। डॉक्टर द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया, जहां शव को परिजनों को सौंप दिया गया। अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। जब पुलिस ने घर के आसपास की तलाशी ली तो कुछ ही दूरी पर दूसरे के बॉडी में उन्हें बिजली से जलने वाला हीटर मिला है। जब हमने इस संबंध में थाना प्रभारी के महतो से बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कुछ भी कहने से मना कर दिया गया। मामला की गंभीरता को देखते हुए डभरा पुलिस हर एक छोटी बड़ी पहलू को जांच कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे का खुलासा हो सकेगा। क्या कहते हैं मृतका के परिजन, आइए सुनते हैं। हाँ, माँ कर मुसी हाँ गेंद भाई के एक साल वही रही से आवा तो लड़का है ना कहीं होकर भेज ले दबा के कोशिश करे रही से तो लड़की चल दे रही तो लड़की इलाज बार में नहीं करात रही थे तो अब इलाज बार नहीं करते वहाँ साल भर रही से लैकोल जाते हैं उहूल जाते हैं और बाद माना रहे रही से तो माँ बाप मन अब कमाई चल दीस करें ते तो सास के गोड़ टूटी से थोड़ा ठग फुलवार के नहीं आनी से और नान के ना वो तो भट्ठा लेगी से अभी कौन दिन 15 दिन हो हैं आध हन महीना दिन नहीं गम पातन हम तो फोने सोने नहीं गम पातन और वो नान के वो अब मारी दाई सो अब मचके चनी चूरी चूरी कान नाक कर कैसे फूटी पलंग है कैसे टूटी जब झगड़ा लड़ाई हो नहीं तब पलंग टूटा ही नहीं चूरील कोई फोड़ के बिछी थोड़े कान के लिए चिथी औरा था कोई अपन सुहाग के चीज जाते नहीं बीछ है उसने ना कहा और सया बुलौज पहरे ये मन के मारे चे शादी से मन कुछ बहाना कहा और सब वो कर सास जाना था ससुर है कहीं हूँ सास खुद छोड़ा है तो घेच ले दबा है था ताल अब लड़की है चल एक बच्चा है कहकर आ गई से हम मना करें हैं पूरा हम नाता रिश्ता है कि मत जगह के लड़की वज के हाथ रही जान गवाई नहीं जावा कहते आखिर दे आई से हो। नाम नरेश कुमार बघेल है और मोर दीदी है बड़े अम्मा की लड़की है और मैं आए हवा तो देखे हैं कि वह अब पूछें कैसे कैसे हो कहते तो उन कहीं गिर गए हवा ही करा तो मैं देखें तो मुँह से खून वहाँ निकले रही से तब छुआ के देखें तो मैंने कहीं सचित देख के गिरे तो मैं कहें सचित देख गिरे रहतीस तो खून कैसे हम सूख जातीस तो मन कहीस कि एक झनाने के मई लोग के नाम लेस कि वही उठा के करी से वहाँ कहीं तो मई लोग पूछे ना तो वह कहीस कि मैं नहीं ले गई हूँ कहीं उठा के कहीस मैं अंदर से उठाए हैं कहीं सब एक नहीं गिर रही कहीं तो हम लोग ससुर ले पूछे ना तो मैं नहीं जाना था सुते रहें कहीं तहले ओकर भाँचा है कथे माँ मोर मामा दादा करके हम इन दोनों वाला उठा के पलंग में करें हन कहते तहले मैं कहें तो नाना हाथ कहते कि सुते रहें कहते तब ट्रोल कहें मैं तो सुते रहें कहते तहले मैं कहें कम्बल कौन ओढ़ाई से ओला कहें तो फिर वही मई लोग के नाल जी सब है वही ओढ़ाई से ओला कहते तो मैं बोले फिर पूछे कम्बल तय ओढ़ाए हंसो कहते तो वो कहीं से मैं नहीं ओढ़ाए कहीं अब वो लड़का छुपर है गणेश महेश्वरी अब है इंसान। आज दिनांक को महादेवा रात्रे हैं जो सरसिवा क्षेत्र का रहने वाली है। उन्होंने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की जिसकी शादी 4 साल हुआ है ग्राम सुखापाली में हुआ है अज्ञात कारणों से फौत हो गए हैं, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर थाना प्रभारी के हमराह में मौके पर गए। चूँकि शादी 7 वर्ष के अंदर का था इसलिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री पटेल साहब नायब तहसीलदार डभरा को ज्ञापन देकर तलब कर तहसीलदार के समक्ष पंचनामा कार्रवाई किया गया। पंचनामा कार्रवाई पश्चात PM में भेजा गया है। PM रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।